फाइनली आप सभी की हीरो स्प्लेंडर प्लस की एक्सटेक मॉडल लॉन्च हो चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपने देखा भी होगा, एक्सटेक मॉडल आ चुकी है आप सभी की ऑल न्यू स्प्लेंडर प्लस की, जो कि हमारे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बाइक है। सबसे ज़्यादा सेल होती है, हर महीने लगभग 2 लाख प्लस यूनिट उस गाड़ी की सेल होती है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आज के टाइम बहुत लोग कन्फ्यूज हो चुके हैं, हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक मॉडल एक बेटर ऑप्शन है या आप सभी की ऑल न्यू होंडा एसपी एक बेटर ऑप्शन है। आज आपको हम वीडियो में इस रिलेटेड एक डिटेल्ड रिव्यू देने वाले हैं, दोनों में से कौन सी बेटर बाइक आपके लिए निकल के आती है। आपको किसी पर्पज के लिए भी परचेस करना हो तो कौन सी दोनों से बेस्ट निकल के आती है, पूरी इन्फॉर्मेशन तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे जो आपको रेड कलर बटन दिख रहा है, कैसे भी ठोक दे, हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो आपको हम दोनों ही गाड़ियों को प्राइसिंग बता देते हैं। एक आपको बहुत ही शानदार बाइक देखने को मिल जाती है हीरो कंपनी से, जिसका नाम है स्प्लेंडर प्लस। उसकी जो ऑल न्यू एक्स्ट्रा रूम प्राइसिंग आई है 72,900 रुपये, 72,900 रुपये आई है एक्सटेक मॉडल की प्राइसिंग। उसके बाद एसपी की प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे तो लगभग 80,000 रुपये के आसपास एक्स्ट्रा रूम प्राइसिंग देखने को मिल जाती है। उसके ड्रम वेयर वही 80,000 के आसपास आपकी एसपी 125 की ड्रम वेरियंट की एक्स्ट्रा रूम प्राइसिंग पड़ती है। उसके अलावा जो आप सभी की इसमें आपको डिस्क का भी ऑप्शन जो मिल जाता है एसपी में, जहाँ की आपको एक्सट्रा मॉडल में ऐसा कोई डिस्क ऑप्शन जो नहीं मिलता, तो यहाँ पे जो उसकी डिस्क ब्रेक की एक्स्ट्रा रूम प्राइसिंग लगभग 84,000 रुपीज रहती है। बात करेंगे अपने स्प्लेंडर प्लस के बारे में, एक्स्ट्रा मॉडल कितने रुपये ऑन रोड कॉस्टिंग करेगी तो लगभग 88,000 से लेकर 90,000 रुपीज के बीच में कॉस्टिंग करेगी। उसके अलावा आपकी एसपी 125 भी जो ड्रम वेरिएंट रहेगी वो आपको लगभग, अगर ऑन रोड कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे तो ऑन रोड आपको लगभग 95,000 से लेकर 97,000-98,000 के बीच में ऑन रोड कॉस्टिंग करेगी। तो अगर प्राइसिंग की बात करेंगे तो क्लियर कट आप लोग देख सकते हैं, लगभग 8 से 10,000 रुपये के आसपास का डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। 8,000 रुपये का आप डिफरेंस लेके चल सकते हैं, 8,000 रुपये आपकी डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाती है एसपी की ड्रम वेरिएंट और आप सभी की जो एक्सएल मॉडल है उसकी आपको ड्रम वेरिएंट के लगभग ड्रम वेरिएंट आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं मिल जाता प्राइसिंग में। लेकिन उसी बात जो बड़ा अपडेट आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको जो स्प्लेंडर प्लस है वो आपको 100 सीसी का इंजन लेके आती है, 97.8 सीसी के आसपास का इंजन देखने को मिल जाता है। वहीं पे आप सभी की जो ऑल न्यू होंडा एसपी है वो आपको लगभग 124.7 सीसी का बीएसएस कंप्लायंट इंजन ऑफर करती है। तो पावर वाइज डिफरेंस नो मिल जाता है, तो बेटर पावर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा एसपी 125 में। अगर वो पिकअप रिस्पॉन्स चाहिए, थ्रॉटल रिस्पॉन्स चाहिए तो वो आपको ज़्यादा बेटर आपकी एसपी 125 निकाल के देने वाली है। तो अगर आपको इंजन वाइज मूव करना है, आपको शानदार ओवरऑल पिकअप चाहिए, थ्रॉटल चाहिए, तो बिल्कुल एसपी 125 आपके लिए 2022 में इन दोनों बाइकों में बेटर ऑप्शन निकल के आती है। उसके अलावा माइलेज के बारे में बात करेंगे, माइलेज क्या कुछ रहता है इन दोनों गाड़ी का, जो कि बहुत लोग जानना चाहते हैं। भले पेट्रोल का रेट 7-8 रुपये कम हो चुका, लेकिन कहीं ना कहीं माइलेज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बना हुआ आज की डेट में। बहुत लोग जानना चाहते हैं माइलेज, और लगभग पेट्रोल 100 के आसपास है, 100 से नीचे भी कहीं आया नहीं जल्दी। तो अब बात कर लेंगे गाड़ी के माइलेज के बारे में, तो आपको हम बता दें माइलेज में लगभग 4 से 5 किलोमीटर का डिफरेंस मिल जाएगा। 4 से 5 किलोमीटर का बेटर माइलेज आप सभी की स्प्लेंडर प्लस निकाल के दे सकती है, क्योंकि पता है वहाँ पे आपको छोटा सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, लगभग 25 सीसी कम छोटा आपको यहाँ इंजन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्प्लेंडर प्लस की जो एक्सेक मॉडल है वो आपको लगभग मान लीजिए 65 का माइलेज निकाल के देगी, तो आपकी एसपी 125 60 का माइलेज निकाल के दे देगी, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट थोड़ा बहुत चला जाता है आप सभी की स्प्लेंडर प्लस का। बाकी प्राइसिंग भी गाड़ी कम है, तो प्राइसिंग वाइज भी प्लस पॉइंट वो गाड़ी उठा लेती है। लुक के बारे में बात करते हैं, लुक कैसा कुछ रहता है, तो लुक वाइज नो डाउट आप सभी की एसपी 125 ज़्यादा बेटर निकल के आती है। बहुत ज़्यादा अच्छा खासा डिफरेंस नो मिल जाता है, जहाँ की आपको स्प्लेंडर प्लस आपको सिंपल लुक ऑफर करती है, कोई भी आपको वहाँ पे डिजाइनिंग एक्स्ट्रा देखने में मिलती है, बस कंपनी ने स्टिकर्स चेंज किए हैं एक्सटेक मॉडल में। लेकिन वहीं पर अगर आप सभी एसपी 125 के बारे में बात करेंगे तो एसपी 125 में जो साइड फेयरिंग ओवरऑल जो आपको लुक देखने मिल जाता है, कहीं ना कहीं एसपी 125 का ज़्यादा बेटर निकल के आता है। तो बिल्कुल अगर आपको लुक पसंद है, आपको एसपी 125 लुक वाइज सही है, आपको एक लुक वाइज गाड़ी ले रहे हैं, तो एसपी 125 कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप एसपी 125 साथ मूव कर सकते हैं, कि वो भी 125 सीसी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है और बहुत ही शानदार होंडा कंपनी तरफ से उसने मार्केट कैप्चर किया हुआ है। चलिए ये तो रहा, उसके बाद मीटर कंसोल के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, मीटर कंसोल में आपकी स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक मॉडल ज़्यादा बेटर निकल के आती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि ओवरऑल जो आपको एसपी के मीटर कंसोल के बारे में बात करेंगे तो आपको वहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, जो कि आपकी ओवरऑल अगर बात करेंगे स्प्लेंडर एक्सटेक मॉडल ऑफर कर रही है। तो कहीं ना कहीं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जिन लोगों को रिक्वायर है, जिन लोगों को थोड़ा बहुत चाहिए होता है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं फीचर्स वाइज हम बात करेंगे, फीचर्स को माइंड में लेकर बात करेंगे। वैसे अगर जेन्युइन बात करेंगे तो उतनी छोटी सी सेगमेंट की उतना कोई जरूरत नहीं वहाँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की, लेकिन कंपनी ने अपनी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एक्सटेक मॉडल वहाँ ऑफर किया है। तो कहीं ना कहीं फीचर्स वाइज आपकी स्प्लेंडर प्लस ज़्यादा बेटर निकल के आती है, अगर आप इसे डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं होंडा एसपी से। बाकी आपको वहाँ पे ICS टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे आपको साइलेंट स्टार्ट फीचर देखने को मिलता है। आपको एसपी 125 में एक और बेटर चीज़ देखने को मिलती है, इंजन की स्विच देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं पर अगर बात करेंगे आपकी स्प्लेंडर प्लस के बारे में, तो आपको वहाँ पे यूएसबी चार्जिंग का सॉकेट देखने को मिल जाता है, तो लगभग दो दो फीचर्स बराबर हो जाते हैं ये सारी चीज़ें। उसके अलावा साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको दोनों ही गाड़ियाँ ऑफर करती हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है दोनों ही गाड़ियों में।
उसके अलावा बात करेंगे 80x100 18 इंच वाली ट्यूबलेस है, दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाता है, फ्रंट में 80x100, बैक में 80x100। बाकी एक जो बड़ा खेल खेल जाती है आप सभी की SP125, यहाँ पे आपको फुली LED सेटअप देखने को मिलता है। लेकिन आपकी जो स्प्लेंडर एक्सेक मॉडल आ रही है वहाँ पे बस आपको LED आर देखने को मिल रहा है, बाकी जो सेटअप है वो हैलोजन वाला ही है। तो कहीं ना कहीं आपके SP125 का जो LED हेडलैम्प सेटअप है वो थोड़ा बहुत आपको बेटर रिस्पॉन्स निकालेगा, थोड़ा लुक इन्हेंसमेंट करेगा, तो गाड़ी आपकी अच्छी लगने वाली है। उसके बाद और कुछ बात करें गाड़ी के बारे में कंफर्टेबल लाइटिंग वाइज, तो कंफर्टेबल लाइटिंग थोड़ा होंडा SP का जो ओवरऑल सीट है वो थोड़ा बहुत पीछे से ऐसे उठा हुआ है, तो कोई आपको ऐसे ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी, सीट में अच्छी कुशनिंग कंपनी बिल्कुल प्रोवाइड करती है, और वैसे ही लगभग स्प्लेंडर प्लस में भी आपको ओवरऑल रिस्पॉन्स नहीं मिल जाएगा। बाकी दोनों ही गाड़ियों को बहुत ही बेहतर रिस्पॉन्स है। थोड़ा रफ एंड टफ की बात करेंगे तो आपकी स्प्लेंडर प्लस थोड़ा रफ एंड टफ गाड़ी है, क्योंकि आपको वहाँ पर कोई भी साइड में अलग सी फेयरिंग या डिजाइनिंग नहीं मिलती है। बाकी आपको हमने प्राइसिंग शेयर कर दी, ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं। ब्रेकिंग कैसा है, तो ब्रेकिंग में कोई आपको ज़्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है, कि दोनों ही गाड़ियाँ लगभग CBS ब्रेकिंग का काम करती हैं, कि अगर अपने बैक का ब्रेक पेडल अप्लाई करेंगे तो फ्रंट और बैक दोनों ही टायर एक टाइम पे लॉक होता है, तो इसकी मदद से रोड पे आपकी स्टेबिलिटी बनी रहती है और आपकी गाड़ी कहीं भी स्किड नहीं करती है। मतलब होता क्या है कि जब पहली गाड़ी होंगी जिनके पास 2012-2013 मॉडल होगी स्प्लेंडर प्लस की, वो चीज़ नोटिस करेंगे कि अगर वो बैक का ब्रेक पेडल अप्लाई करते हैं तो बस पिछला टायर पर ब्रेक लगता है, तो उससे क्या होता है गाड़ी स्किड कर जाती है। लेकिन अभी जो नई गाड़ी आ रही है वहाँ पे आपको कंबाइंड ब्रेकिंग के सिस्टम देखने को मिल रहा है, जहाँ के बैक का ब्रेक पेडल अप्लाई करेंगे तो फ्रंट और बैक दोनों ही टायर लॉक होता है, तो ये एक ओवरऑल अच्छी बात आती है। तो ये कुछ बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। तो देखिए अगर आपको लुक चाहिए, आपको होंडा का इंजन चाहिए, साइलेंट और स्मूथ इंजन चाहिए, तो आप बिल्कुल SP125 जरूर मूव करेगा, लुक अच्छा देखने को मिल जाता है और आपको थोड़ा पावर फिगर्स में इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। अगर आपको रफ एंड टफ गाड़ी चाहिए, फीचर्स चाहिए, थोड़ा आपको मांगते हैं कि आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाए, उसके लिए रफ एंड टफ गाड़ी चाहिए, कम बजट में चाहिए, 90,000 के अंदर चाहिए, तो बिल्कुल आपके लिए जो स्प्लेंडर प्लस है वो बेटर ऑप्शन निकल के आती है। बहुत लोग बोल रहे थे एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो लाइए, इसके बाद एक हम डिटेल कंपेयर करना है दोनों बाइकों को सामने सामने खड़ा करके, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट्स में आप लोग हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो आप लोग हमसे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नीचे जो आपको रेड कलर बटन दिख रहा है कैसे भी ठोक दे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को जितना हो सके अधिक से लोगों को शेयर करिएगा ताकि और लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके 2022 में उनके लिए भी कौन सी एक बेटर ऑप्शन निकल के आती है इन सब में से, क्योंकि स्प्लेंडर प्लस और उसके अलावा जो आपके SP125 है जो अभी कंपनी ने हाल ही में अपडेट कर दिया उसको मीटर कंसोल, बहुत लोग कन्फ्यूज हो चुके हैं कि दोनों ही कंप्यूटर से बहुत ही बेहतरीन बाइक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।